हेलो फ्रेंड दिस इज अजीत फ्रॉम कैटलीस क्लास सो इस वीडियो में हम लोग जो है प्रिडिक्ट करेंगे या भविष्यवाणी करेंगे कि आपकी जेब में कितना पैसा है ठीक है सो हाउ टू प्रिडिक्ट हाउ मच मनी ए पर्सन हैव इन हज पॉकेट ठीक है कैसे हम लोग भविष्यवाणी करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जेब में कितना पैसा है दैट्स अमेजिंग ट्रिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड ना प्ले विथ योर फ्रेंड फैमिली और अपने घर के बच्चे के साथ ही अप्लाई करो और आप अपना ट्रिक को समझ जाओगे लर्न कर जाओगे ठीक है चलो देखते हैं तो इसमें कुछ बेसिक्स जो है स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है ठीक है सो so, पहले तो बोलना पड़ेगा किसी बंदे को हम मैं बोलूँगा अपने फ्रेंड को आप बोलोगे ठीक है कि जस्ट आप कंसिडर करो कि आपके जिप में कितना पैसा है ठीक है सपोज उसने चेक किया उसकी जिप में ट्वेंटी रुपीज़ है ठीक है तो आप क्या बोलोगे कि उसमें पाँच ऐड कर दो ठीक है बी स्टेप में सी स्टेप में आप क्या बोलोगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलोगे कि आप उस जितना भी आपका आया नंबर जितना भी रुपया हो गया अब पाँच से मल्टीप्लाई करने पे ठीक है पाँच ऐड करने के बाद उसमें आप जो है पाँच से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आप कितना रुपया हो जाएगा जैसे जूम करो ठीक है ना फिर आप बोलोगे कि उसको डबल कर दो जितना नंबर है उसका डबल कर दो राइट नेक्स्ट क्या है कि कोई भी फेवरेट नंबर आपकी जो भी फेवरेट नंबर है ठीक है फ्रॉम जीरो टू नाइन कोई भी फेवरेट नंबर उसमें ऐड कर दो फाइन राइट एंड देन एक्स उसके बाद जो है हम लोग एक बेसिक सी छोटी सी ट्रिक है उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट उसको बता देंगे कि आपने आपके जेब में कितना पैसा था ठीक है चलो हम लोग एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं सो so, एक एग्जाम्पल में हम बोलेंगे कि सर जस्ट कंसिडर करो कि मैंने है ना आप मेरे फ्रेंड हो ठीक है आपको मैंने बोला कि पहला स्टेप है कि आपके पॉकेट में कितना रुपीज है ठीक है सो स्टेप वन मैं लेता हूँ ठीक है स्टेप वन ए चलो यहाँ पे ए लिख देता हूँ आपके पॉकेट में कितनी रुपीज है ठीक है आपने बोला कि ट्वेंटी रुपीज़ है बी स्टेप क्या बोलता है कि मैं बोलूँगा कि उसमें पांच ऐड कर दो ठीक है तो बीस रुपये में आप क्या करोगे सिंपल सा पाँच ऐड करके बोलोगे ना आपके माइंड में आ गया ट्वेंटी फाइव ठीक है नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बोलूंगा सी स्टेप में ठीक है यहां से मैप करते रहो सी स्टेप कि आप पांच से मल्टीप्लाई कर दो जो भी आया तो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव ठीक है वन ट्वेंटी फाइव आ गया राइट अब नेक्स्ट स्टेप डी क्या बोलते हैं ठीक है थीके? कि डबल द आंसर सो ऑप्टेन जो भी आपके पास नंबर आया उसको डबल कर दो सो वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव टाइट फिफ्टी आ गया राइट देन आई विल से स्टेप में इसी स्टेप इस में क्या बोलूंगा कि जो भी आपका फेवरेट नंबर है वन टू तो नाइन के बीच उसको इसमें ऐड कर लो ठीक है सो सपोज मैंने कंसिडर किया कि मेरे पास मेरा फेवरेट नंबर जो है वन है ठीक है तो टू फिफ्टी प्लस वन मैंने ऐड कर दिया टू फिफ्टी वन आ गया राइट या मैंने बोल दिया कि सेवन है ठीक है तो 257 हो गया या मैंने बोल दिया कि 9 है 259 हो गया ठीक है तो जस्ट मैंने बोला कि सेपरेट सेवन मेरी माई फेवरेट नंबर 257 हो गया राइट चलो लेट सी सो नेक्स्ट स्टेप एफ क्या बोलता है एफ बोलता है कि ऐड 10 कर दो उसमें जो भी नंबर आपके पास फाइनली आया है उसमें 10 ऐड कर दो 257 फिफ्टी सेवन प्लस टेन कितना आ गया 267 अब मैं क्या बोलूँगा ठीक है कि 267 आपके पास आ गया है राइट अब मैं बोलूंगा कि इग्नोर द डिजिट एट यूनिट प्लेस जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 267 में, unit place पे कौन सी है? 7. इसको कर दो, तो मेरे पास क्या बचा? बचा, फिर 26 इसमें से मैं कि सिक्स सब्सक्राइक कर दो छः घटा दो तो कितना आ गया आंसर ट्वेंटी मैं बोलूंगा क्या तो आपके आपने कंसिडर किया आपके पॉकेट में ट्वेंटी रुपीज था क्या आप बोलोगे यस मेरे पॉकेट में ट्वेंटी रुपीज़ था सो ये ट्रिक है ठीक है जिसके थ्रू तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है राइट सो ये ट्रिक जो है आप अपने घर फैमिली किसी भी अप्लाई करके या आप खुद ही एक नंबर ना आप जस्ट कंसिडर कर लो कि आपके पॉकेट में कितने रुपीज़ है ठीक है और ये ट्रिक अप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है या अपने घर फैमिली किसी के साथ ये ट्रिक ना अप्लाई कर सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो ठीक है इस अमेजिंग ट्रिक सो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं सो so, मैं बोलता हूँ आपसे कि आप जस्ट कन जस्ट चेक करो आपके पॉकेट में कितने रुपीज़ हैं ठीक है थीके? तो आपने बोला कि आपके पॉकेट में फिफ्टी रुपीज़ हैं ठीक है सो ए स्टेप ये हो गया बी स्टेप में क्या है बोलता है कि ऐड फाइव कर दो उसमें बी स्टेप में सो so, हम लोग क्या करेंगे कि बी स्टेप में बोलेंगे कि भाई आप फाइव रुपीज़ ऐड कर दो इसमें तो फिफ्टी रुपीज़ प्लस फाइव रुपीज़ फिफ्टी फाइव रुपीज़ हो गया सी स्टेप क्या बोलता है अपना ठीक है सी स्टेप अपना क्या बोलता है लेट सी स्टेप बोल रहा है कि मल्टीप्लाई द आंसर बाय फाइव जो भी आपके पास आया है फिफ्टी फाइव ठीक है उसमें फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो फिफ्टी फाइव इंटू फाइव ठीक है टू सेवेंटी फाइव राइट सो ये आपका आ गया सी स्टेप नाउ वी विल सी दैट कि डी स्टेप में ये क्या बोलता है ठीक है डी स्टेप क्या बोला है? कि डबल द आंसर सो ऑपरेट जो भी आंसर आया है उसका डबल कर दो ठीक है तो टू सेवेंटी फाइव डबल टू से मल्टीप्लाई कर दो डबल आ जाएगा फाइव फिफ्टी राइट नाउ डी हो गया अपना राइट नाउ वी विल सी दैट कि नेक्स्ट स्टेप क्या है राइट right? सिंपल सा है जैसे स्टेप आ जाएगा जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये स्टेप क्या बोलता है अपने को स्टेप कि फाइनली आज सेम टू ऐड द फेवरेट नंबर मैं बोलूंगा कि आप कोई भी फेवरेट नंबर जीरो से नाइन के बीच में ऐड कर दो सपोज मैंने बोला कि मेरा जीरो ही फेवरेट नंबर है ठीक है तो टू फिफ्टी सॉरी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी ठीक है फाइव फिफ्टी प्लस जीरो मैंने किया मेरा जीरो ही फेवरेट नंबर है तो कोई चेंजेस नहीं है फाइव फिफ्टी आ गया ठीक है फिर मैं क्या बोलूंगा कि ऐड टेन कर दो एफ स्टेप -E क्या बोलते हैं एफ स्टेप ये बोलता है एफ स्टेप ठीक है एफ है कि ऐड टेन कर दो जो भी नंबर आपके पास है फाइनली प्लस टेन कर दो तो ये आ गया अपना फाइव सिक्सटी रुपीज ठीक है अब ट्रिक क्या है कि फाइव सिक्सटी में ठीक है यूनिट डिजिट को इग्नोर कर दो कम्प्लीटली हटा दो तो अपने पास फिफ्टी सिक्स आ गया अब इसमें से बोलता है कि ट्वेंटी सिक्स जो है ठीक है इसमें से सॉरी सिक्स सब्सक्रैप कर दो नेक्स्ट स्टेप अपना यही है राइट right? सो so, अपना फिफ्टी आ गया तो मैं बोलूंगा क्या आपके पॉकेट में जो अभी है आंसर आया है उतना ही रुपीज़ था क्या आप लोग यस ऑब्वियस पचास रुपये थे मैंने कंसिडर किया था या मेरे पॉकेट में पचास रुपये थे तो ये जो मैजिक ट्रिक है ना सो प्लीज़ अप्लाई दिस थिंग एंड सी दैट यू विल रिमेंबर ना सभी स्टेप आपको याद हो जाएंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब दो तीन लोगों के साथ ये प्ले करोगे गेम ठीक है So thank you very much guys. Please like and subscribe this video. Thank you.